जय हिंद स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. एंड इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में देखा था क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है. ठीक है, एडजसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, टूडेज टॉपिक इज सर्कल्स. ठीक है, तो जो एक राउंड शेप होती है उसको हम सर्कल कहते हैं. सो अगर हम बात करें दिस, ये मेरे पास एक क्या है, क्लॉक है. तो जो इसकी शेप है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है, दिस इज राउंड शेप है, सो दिस इज कॉल्ड सर्कल. ठीक है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं. इसी टाइप से हम यहाँ पर ये हमें क्या दिख रही है, बैंगल दिख रही है. ठीक है, तो जो ये शेप है ये भी क्या है, एक सर्कल. ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्कल देखते हैं. सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स. हमने क्या करा, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करा. ओके, तो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करा. सर्कल हम कंपस की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट रखा एंड इस टाइप से भी हम सर्कल अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते हैं. सो यहाँ पर ये यह आपको क्या दिखा दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है. तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन को. सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मीन्स सर्कल जो होता है बहुत सारे पॉइंट्स से बना होता है. सर्कल क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स. ये हमने सर्कल ड्रॉ करा, इस पर क्या होंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे. ठीक है, जो सर्कल है बहुत सारे पॉइंट्स से बना होता है. एंड कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. यहाँ पर हमने सपोज यहाँ बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर एक पॉइंट लिया. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी. सो जितने भी पॉइंट्स हैं अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी. ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया फिक्स पॉइंट, इसको हम कहते हैं सेंटर. क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं. सो इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स सेम रहती है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम सर्कल पर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वहाँ से उसकी डिस्टेंस सेम रहती है. और इस वाले पोर्शन को, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस, ठीक है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. नाउ ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर. इसका हम नेम दे सकते हैं ओ. ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. तो दिस इज द सेंटर, ये हमारा सेंटर हुआ, दिस इज सर्कमफ्रेंस. सेंटर से अगर हम सर्कल पर किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सेंटर से हमने ज्वाइन किया एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, सो दिस इज कॉल्ड रेडियस. इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस. यहाँ पर सपोज हमने एक पॉइंट लिया ए पॉइंट, ठीक है, तो ओ ए क्या हो गई, रेडियस. ओ इज रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल. इसी टाइप से सपोज हमने इसका नेम दिया यहाँ पर बी, सो ओ बी भी क्या है, रेडियस. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इस टाइप से ज्वाइन करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी. ठीक है, सो ओ ए एंड ओ बी ये दोनों ही रेडियस हैं, तो ये आपस में इक्वल होती है, ओ ए इक्वल टू ओ बी. सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्कल और दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, सेंटर. इसका हमने नेम दिया ओ. ठीक है, ओ से अगर हम, ये क्या है, ये जो बाउंड्री है इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं सेंटर को, ठीक है, सेंटर एंड एनी पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है, ये हमने पी लिया. यहाँ पर अगर हमने नेक्स्ट, यहाँ पर हमने लिया क्यू पॉइंट, सो पी ओ क्यू, ओ क्यू भी क्या है, रेडियस. ठीक है, अगर इसी टाइप से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ओ से पास होती है, ठीक है, सेंटर से पास हो रही है, सो दिस लाइन, दिस लाइन, इसका हमने नेम दिया एम एन. सो यहाँ पर एम एन, ये सेंटर से पास हो रही है, तो एम एन क्या है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर. एम एन क्या है, डायमीटर है. और अगर हम बात करें ओ एम, ओ एम क्या है, रेडियस है. ठीक है, सेंटर से अगर हम किसी भी पॉइंट को, सर्कल पर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस कहलाती है. ओ एन ऑल्सो अ रेडियस.
सो ओ एम एंड ओ एन रेडियस है एंड एम एन क्या है डायमीटर. सो हम क्या कह सकते हैं डायमीटर इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू टू इंटू रेडियस. ओके सो जो डायमीटर है वो क्या होती है रेडियस की डबल होती है. सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है ठीक है सो दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर होगा तो हमारी डायमीटर है वो क्या है 4 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस की डबल होगी. ठीक है तो डायमीटर विल बी 4 सेंटीमीटर इफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर देन डायमीटर विल बी 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमीटर डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज कॉर्ड्स. सो कॉर्ड्स क्या होता है कॉर्ड्स क्या होता है कॉर्ड्स इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल. जिसके एंड पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं सर्कल पर. सपोज मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए दिस वन एंड दिस वन. ठीक है इसका नेम मैंने दिया ए एंड दिस इस पॉइंट का नेम दिया बी. सो क्या है कॉर्ड कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट. क्या है एक लाइन सेगमेंट है हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल. तो लाइन सेगमेंट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. ठीक है तो इसका मतलब अगर हम सर्कल पर कहीं पर भी अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं सपोज मैंने यहाँ पर लिए ठीक है इस टाइप से पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट. सो दिस इज और मैं इन्हें ज्वाइन कर देती हूँ. ठीक है मैंने पी से क्यू को ज्वाइन किया. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड. ठीक है तो इसमें बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती है किसी भी सर्कल में काफ़ी सारी कॉर्ड्स हो सकती है. इसी टाइप से अगर हम यहाँ से इस टाइप की अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करें जो सेंटर से पास हो रही है ठीक है तो वो भी कॉर्ड कहलाएगी. ये डायमीटर भी होगी और साथ में कॉर्ड भी होगी. ठीक है सपोज मैंने यहाँ पे नेम दिया एम एंड एन. सो एम एन एम एन क्या है डायमीटर भी है एंड एम एन ऑल्सो अ कॉर्ड. सो वी कैन से दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है सर्कल की वो क्या होती है डायमीटर होती है. सो यहाँ पर हम कॉर्ड्स के नेम राइट कर सकते हैं. ए बी इज अ कॉर्ड. ए बी क्या है कॉर्ड है लाइन सेगमेंट. ठीक है तो इसके ऊपर हम इस टाइप से राइट करेंगे. ए बी इज अ कॉर्ड. ठीक है एम एन ऑल्सो अ कॉर्ड. एम एन डायमीटर भी है एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है. इसी टाइप से पी क्यू भी क्या है कॉर्ड है. नाउ नेक्स्ट इज आर्क. आर्क क्या होता है समझते हैं. नाउ स्टूडेंट्स आर्क क्या होता है. आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ये जो सर्कल है ठीक है यहाँ पर अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं सपोज मैंने यहाँ पर लिया एल एंड ई. ठीक है यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए एल एंड ई. सो सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है. ठीक है तो ये हमारी क्या है पूरी सर्कमफ्रेंस है तो उसका जो एक पार्ट होता है उसी को हम आर्क कहते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक पार्ट लिया एल ई यहाँ से लेकर यहाँ तक. सो एली इज द आर्क. सो यहाँ पर एली आर्क है. सो हम इस टाइप से यहाँ पर एल ई. ठीक है आर्क के लिए हम इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं. एली इज अ आर्क. इसी टाइप से अगर हम बात करें ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है यहाँ पर ए पॉइंट है बी पॉइंट है तो इसको अगर हमें आर्क ये क्या है एक आर्क है पार्ट्स ऑफ अ सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है ए बी. सो इसको हम किस टाइप से राइट करेंगे ए बी. ए बी आर्क. ठीक है ए बी आर्क. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल. तो सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है. यहाँ पर ये सर्कल दिया हुआ है यहाँ पर सेंटर है. सो सबसे पहले समझते हैं सेगमेंट. तो सेगमेंट क्या होता है. अ सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क इट जॉइंस. सपोज हमने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करी. ठीक है हमने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करी तो इसका हमने नेम दिया ए बी. ठीक है दिस इज अ कॉर्ड एंड ये क्या है आर्क. ठीक है दिस इज कॉल्ड आर्क. ये आर्क हुई एंड दिस इज कॉर्ड. सो इनके जो बीच का रीजन है अ सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क. आर्क एंड एंड कॉर्ड के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं सेगमेंट कहते हैं. तो दिस इज कॉर्ड. ये जो शेडेड पोर्शन है ठीक है आर्क एंड कॉर्ड के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट. एंड ये यहाँ पर दिस इज अ सेगमेंट एंड ये जो है
ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है सर्कल का, ये भी सेगमेंट है. तो दिस इज कॉल्ड माइनर, ये छोटा है तो इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, और दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. ठीक है, अब हम समझते हैं सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? सेक्टर की डेफिनेशन हम राइट करेंगे, अ सेक्टर इज अ रीजन, अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क, बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियन, रेडियन. सो क्या हुआ, सेक्टर क्या है? अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई. तो यहाँ पर हम टू रेडियाई ड्रॉ करते हैं, रेडियाई. ठीक है, रेडियाई क्या है? रेडियस का प्लूरल फॉर्म है. मीन्स यहाँ पर टू रेडियाई है. अगर वन है ना, वन के लिए हम रेडियस यूज करते हैं, यहाँ पर टू रेडियाई है. सो वी विल ड्रॉ रेडियस, दिस वन एंड दिस वन. यहाँ पर हमने टू रेडियस ड्रॉ करी, टू रेडियाई. यहाँ पर हमने पॉइंट लिया एम एंड एन. ठीक है, ओ एम एंड ओ एन, टू हमने रेडियाई ड्रॉ करी. सो अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई. एन आर्क क्या हुई? एम एन. एम एन आर्क है यहाँ पर. ठीक है, सो ओ एम ओ एन रेडियस हैं, टू रेडियस हैं यहाँ पर, एंड दिस इज एन आर्क. तो इनके जो बीच का रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. ठीक है, टू रेडियाई एंड आर्क. सो दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर. छोटा वाला जो पोर्शन है इसे माइनर सेक्टर कहेंगे, और इस वाले को, ठीक है, ये पूरा ये जो है इसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.6. ओके, थैंक यू.